आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी और वॉइस ऑफ इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ महक। वहीं बड़ी अपडेट सामने आई एंटी ड्रग ऑपरेशन के लगातार क्रम में विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो सीबीएन के अधिकारियों ने बड़ी कार्रवाई की है। जहां जहां जोजरों का खेड़ा टोल नाका तहसील गंगरार जिला चित्तौड़ राजस्थान के पास एक महिंद्रा पिकअप को रोक कर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। जहां पिकअप को रोकने पर तलाशी ली गई और तलाशी में पिकअप से 11 बैग सीपीएस पोस्ता स्ट्रॉ वजन 159 किलोग्राम से ज्यादा का बरामद हुआ है। देखिए पूरी रिपोर्ट। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये कार्रवाई मुखबिर की सूचना के आधार पर की गई। अधिकारियों को विशिष्ट खुफिया जानकारी प्राप्त हुई थी कि मध्य प्रदेश के पंजीकरण नंबर वाली एक महिंद्रा पिकअप मल्हारगढ़ क्षेत्र से जोधपुर के लिए पोस्ता भूसा ले जाएगी। इस पर सीबीएन नीमच के अधिकारियों की एक टीम का गठन किया गया और 30 अप्रैल के शुरुआती घंटों में भेजा गया। संदिग्ध मार्ग पर कड़ी निगरानी रखी गई और सीबीएन अधिकारियों द्वारा वाहन की सफल पहचान के बाद महिंद्रा पिकअप को जोजरों का खेड़ा टोल नाका तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान के पास रोका गया। महिंद्रा पिकअप कवर कार्गो के रूप में तरबूज के फल ले जा रहा था। लगातार पूछताछ करने पर वाहन में सवार व्यक्ति ने बताया कि पिकअप में कवर कार्गो के नीचे पोस्ता स्ट्रॉ लदा हुआ है। चूंकि सुरक्षा कारणों से मौके पर वाहन की तलाशी लेना संभव नहीं था, इसलिए उसे सीबीएन कार्यालय लाया गया। महिंद्रा पिकअप की गहनता से तलाशी ली गई और कुल 160 किलोग्राम से ज्यादा सीपीएस पोस्ता स्ट्रॉ बरामद किया गया। कानूनी औपचारिकता पूरी होने के बाद महिंद्रा पिकअप और कवर कार्गो के साथ बरामद पोस्ता स्ट्रॉ को जब्त कर लिया गया है। वहीं एक व्यक्ति को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ एमपी, नीमच।